हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। तो फाइनली ये ब्लॉग बहुत ही स्पेशल होगा क्योंकि आज दीपावली के साथ साथ अदिति का बर्थडे भी है। बट अभी काफ़ी लेट हो चुकी है क्योंकि इतना जगह पूजा करना आप समझ सकते हैं। बट ये सबसे पहले तितली का केक आपको कैसा लगा जरूर बताइए। यहाँ पे इसकी बुआ भी आ गई है और सभी लोग आ चुके हैं और अब होने वाला है फाइनली केक कट। सभी लोग बैठ चुके हैं, तो चलिए आप लोग बने रहिए, नए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और खूब सारा प्यार सपोर्ट कीजिएगा। तितली को प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फ्रीज हो गई। लो आपको पहले लीजिए, आप लोग कीजिए उसको। ये जी खड़ा हो जाएगा, मोमबत्ती चल जाएगा केक पे। पिंग पॉन्ग कहने का क्या जरूरत है, आप ही तो खा सकते थे। अगर डॉक्यूमेंट्स को करके वीडियो भेज दिया खाली। लीजिए केक खाइए। सब लोग है यहाँ पर बैठा हुआ, सब चाचा लोग के साथ आज काटी है। वो चाचा इसका दिल्ली रहता है, देखो यहाँ पे। वाह वाह, खा लो केक, बच के ना चाहिए सब कोई खुशी। केक खा लीजिए। देखो चाचा इसके इधर रहे, दादा इसके इधर रहे और मुझे भी देख लीजिए। खा ना, खा सब कोई खा। दिन छोट पर I'm done. May I leave? ले जा थोड़ा सा केक, ले जा थोड़ा सा केक, ले जा। I can't. ए कुछ मत का है, कहीं जाके ना का। नहीं आप, नहीं आप। हम कल जाए हो। बस आई हूं। ऐसे में लेके जाए मत ना। थोड़ी सी खोलो के रे बबुआ। सब दिखाई ले बनी हम हुई थे। हट तो। हेलो ले। बेचारी को उठ ब्लू हो गए। नहीं खा रही है। दादा आइए, दादा जा। दादू का खिला दो केक, मम्मी खिला दे। मम्मी का, अरे चाचू आ गया है, ले जो मारा है ना। आओ आओ, बैलून भी लेते जाओ, बैलून लेते जाना। बैलून लेना नहीं, अच्छा फोड़ना है। फोड़ा दीदू को तो थैंक यू, अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे बोलना अच्छा था गाइस, हैप्पी बर्थडे। हेलो बैलून फोड़, घर बैलून फोर 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 ना फोर। सब शांत हो जाएगा, न्यूट्रल हो गया। लो बच्चों लीजिए, अब जा उस प्लेट में दे दो। यहाँ पर देखिए सब चाचा लोग एक एक करके आ रहा है, सब इधर उधर, सब खाली पटाखा फोड़ने के चक्कर में। पापा तो दाल में बुला कर पटाखा फोड़ रहा था, जो बोल रहा है। ये लीजिए, बहुत छोटा नहीं है, खत्म करते करते थक गए, इसलिए सोने आ रहा था। खाली खा लिए है, खा जाके दे दो। हेलो बबुआ, केक खाएगा। वाह, एक ग्लास बा खा सकता आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइज मैं हूँ बाहर यहाँ पे बुलाने के लिए सभी को। यहाँ देख लीजिए, सभी पटाखे फोड़ने में ही भाई बिजी थे। किसी को भी बुलाओ, सब कह रहे भैया आज तितली का बर्थडे, आज पटाखा फोड़ने दो यार, कुछ मत बोलो। कार्तिक हर्षित सभी लोग, तो मैं भी आया था कि चलो भाई कम से कम केक खा लो सब। कोई इधर है, कोई उधर है, क्योंकि घर पर सबके पूजा हो रही है, अंकल के सभी शॉप्स पर पूजा हो रही है। सब इधर उधर चले गए थे रात में।
तो गाइस एक एक करके सारे भाई लोग आंटी लोग धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। क्या से फेस्टिवल तो सब कहीं कोई पूजा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आंटी जी का जो नाक का है बहुत सुंदर लग रहा था, नहीं दिखाई का मुँह। आंटी जी हंस रही है मेरी, तो खिला देते हैं आपको। देखो गुंडा चाचा आ गया है इसका, देखो भाई ये बम सर, देखो ये बम से क्या कर लिया। ये देखिए तितली के बर्थडे के लिए और यही गायब हो गए। कौन? नहीं ये ही है कार्ड। ये कितना बड़ा बम है। अंकित को थी दे दो, क्या खिला, क्या क्या खाई यहाँ पर है ट्रे। लीजिए मम्मी जी। अरे क्या एगलेस है? अरे आंटी जी ले जाइए ना, हाँ तो खाइएगा पूरा। तो गाइस अब देखिए, अब निशा भी आ गई है, तितली का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो गया और वो मम्मी के पास चली गई है अभी थोड़ी देर के लिए, दादी के पास। और यहाँ देखिए ये सब निशा और ये लोग अभी तक पटाखा फोड़ना शुरू कर दिए, मतलब अभी ऐसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं कि अब तितली का बर्थडे है, क्योंकि रात में जब पूजा होगी दुकान की तब सब ज़्यादा पटाखा फोड़ेंगे। चलिए आप लोग बने रहिए। तो गाइस इसी के बीच मेरे दादा यहाँ पे आ गए और सभी को लगे डांटने, क्योंकि ये लोग पूरा तो इतना जोर जोर से, फिर पता नहीं इतना मतलब हैवी साउंड वाला बम भी छोड़ रहे थे ना। और यहाँ पे देखिए एक और चाचू इसके बस गए थे लिखे, तो यही हो रहा है कि जैसे जैसे सब मिल रहा है सबको फिर बुला के। और इसी लिहाज हम लोग नीचे वाला एक छोटा सा रूम है, इसी में हम लोग केक कट किए ताकि सभी सब मतलब सभी आ सके वहाँ पे, क्योंकि मैं पता था कि आज सब के सब बिजी होंगे। और यहाँ देख लीजिए ये भाई पूरी दुनिया एक तरफ, इनको पटाखा ही फोड़ना है। चलिए कोई नहीं, आप लोग बने रहिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों पटाखा वटाखा सब कुछ फोड़ के अभी हम लोग आ चुके हैं ऊपर, और ऊपर रूम में है क्योंकि तितली का दो बैंक है जो साल में फोड़ा जाता है, मतलब हर साल। अभी तो ये पहला ही साल है जब तो शुरुआत हो रही है, मतलब इसके दादा बैंक लेकर आए थे और इसमें इतने सारे पैसे हैं। दो दो बैंक है, एक ये हो गया और एक है हाथी राजा, तो यही खोल के मतलब फोड़ के आज हम लोग पैसा निकालेंगे हर बर्थडे पे। और फिर उसके लिए तितली का जो कुछ खरीदना होगा, फिर जमा होगा, जो होगा वो तो आपको बाद में बताते रहेंगे। ये भी जो निशा के हाथ पे हाथी देख रहे हैं तो ये भी आज फूटेगा, और निशा को ये हाथी बहुत ज़्यादा पसंद था, तो निशा थोड़ा इमोशनल भी हो रही थी कि नहीं नहीं भाई ये हाथी नहीं फोड़िए। लेकिन इसमें भी बहुत सारा पैसा था, तो फिर पैसे ख़राब भी हो जाते हैं, कहीं किसी किसी में तो नोट भी डाला हुआ था, तो इसलिए था कि नहीं भाई साल भर में कम से कम फोड़ दो इसे। और तितली को यहाँ पर मम्मी बोल रही थी कि फोड़ो फोड़ो, बट उसे फूट नहीं रहा था, तो माँ खुद से उसके हाथ से मार के फोड़ रही थी। और यहाँ से फोड़ने के बाद से बहुत सारे मतलब पैसे निकले, अनएक्सपेक्टेड था कि इतने निकले, मैं बताऊँगा नहीं, मतलब ये हम लोग काउंट करेंगे तो फिर मैं आपको अगले ब्लॉग तक बता दूंगा कि आखिर दोनों में यानी बैंक में और इस हाथी राजा में तितली के कितने पैसे थे, कितने पैसे में मिले। और ऐसे आप लोग गेस कीजिएगा, ठीक है, तब मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगा। एक बार आप सभी गेस कीजिए, देखता हूँ मैं दोनों को मिला के गेस कीजिएगा कितने लोगों का सही आंसर होता है। तो चलिए आप लोग बने रहिए, और अभी ये तो पार्ट वन था पटाखा फोड़ने का, अभी हम लोग थोड़ा बहुत करेंगे डिनर और फिर उसके बाद फिर से फोड़ेंगे पटाखा, तो बने रहिएगा। तो गाइज रात के 11:30 बजे और ये देखिए ड्रेस चेंज करके और फिर से नीचे आ गए, जैसा कि मैं आपको बताया ही था। और इसके बाद मुझे लग रहा है कि इतने पटाखे फोड़े गए हैं कि शायद ये रिकॉर्ड था हमारे पूरे परिवार का, भाई इतने पटाखे कभी नहीं फूटे, देख सकते हो आप। और तितली को सुला दी थी अच्छे से, और यहाँ पे देखिए सब पटाखे भी फोड़े, तो उसी में लड़ाई झगड़ा नोक झोंक, मतलब क्या ही मतलब। निशा अपने पूरे देवर और ये हमारी प्यारी सी छोटी सी बहन है, निशा की एक ही ननद है ये छोटी सी, और ये लोग देखिए मिलके कैसे पटाखे फोड़ रहे हैं भाई, वाह, मतलब मज़ा आ रहा था इन लोगों को देख के। और ये होता ही अमूमन चीज, आप समझ सकते हैं कि जब कजन सारे जब मिल जाते हैं ना तो भैया उसका मज़ा ही अलग रहता है। यहाँ देखिए देखा जाए कि किसका पूरा फूट रहा है, तो किसी का मिस भी हो जा रहा था, सब एक दूसरे को चिढ़ा रहे थे, तुम्हारा अच्छा नहीं फूटा, तुम्हारा अच्छा नहीं फूटा, तो इस तरह से मस्ती मजाक चल रहा था। और यहाँ पे देखिए खुशी का, वाह, और ये वाला बहुत ही तगड़ा फूटा थोड़ा बहुत निशा से, तो सब उसे फिर चिढ़ाने लगे। खुशी पहले नहीं वो पनावा पति के लिए ना उड़ाल उड़ाल ये हम बता नहीं सकते इधर ही बैठे हैं, मोबाइल लिया है कि नहीं?